देहरादून में राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मासिस्ट एसोसिएशन का द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मासिस्ट एसोसिएशन की इस नवीन कार्यकारिणी में अरविंद चौहान अध्यक्ष, मनोज अवस्थी महामंत्री, शैल दीप्ति नेगी कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मासिस्ट एसोसिएशन के कई सदस्य शामिल हुए। इस दौरान नए पदाधिकारियों ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। उनका कहना है कि वेतन विसंगति और स्थानांतरण जैसी उनके संगठन की कई सारी समस्याएं हैं, जिनका समाधान करवाना उनकी प्राथमिकता होगी। हमारे इस उत्तराखंड में दूरस्थ क्षेत्रों में हमारी बहनें, कई भाई, कई बीमार फार्मासी साथी कई वर्षों से स्थानांतरण से जूझ रहे हैं। उनके लिए मैं कार्य करूं। हमारे वेतन संबंधी प्रकरण है, 12-13 साल बीत गए, एसीपी नहीं दी जा रही है और समस्त प्रकरण जितने हमारे हैं, जिसके लिए मुझे निर्वाचित किया गया है, उस पर मैं अपने साथियों का विश्वास जीतने में सफल हूँ। ये मैं भगवान धन्वंतरी से आशीर्वाद चाहता हूँ और अपने साथियों का सहयोग। संगठन में जब हम एक यूनिटी में जुड़ेंगे तो हम कुछ भी कराने में सक्षम है। देखिए मैम, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, हम लोग लगातार फार्मासिस्ट हित के लिए काम कर रहे हैं और पूर्व में भी हमने जनपदों में प्रतिनिधित्व किया है और हमारे हमेशा से फार्मासिस्ट संपर्क को किस तरीके से परेशानियों से बचाया जाए और किस तरीके से हमारे संपर्क का उत्थान हो पड़े, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहते हैं। और जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है, वेतन विसंगति का है, स्थानांतरण का हमारा मुद्दा है। आगे हम इन मुद्दों को लेकर जाएंगे और अनेकों समस्याएं जो हमारी लंबित पड़ी हुई हैं उन पे हम गौर करेंगे और उनका जितना भी समाधान जितना हमसे हो पड़ेगा हम करेंगे। वर्तमान में मैं पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन में प्रदेश मीडिया प्रभारी के रूप में काम कर रहा हूँ और यहाँ मुझे पद मिलने से हमारा ये संगठन और मजबूत होगा और पूरा उत्तराखंड में जो है हम लोग पेंशन बहाली के लिए भी इसमें अपने संपर्क के लिए काम करेंगे। अधिवेशन था जिसमें मैंने कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा था, तो मेरे साथियों का इतना सहयोग मिला कि मैं भारी बहुमत से विजयी हुई हूँ। इसके लिए उन सबका आभार और धन्यवाद। कोषाध्यक्ष के रूप में मैं ईमानदारी पूर्वक कोष का निर्वहन करूँगी और अपने भाइयों और साथियों के विश्वास पर खरा उतरूंगी। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश कुमार के साथ निशा ज्याला की रिपोर्ट।